का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आइकॉन इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत ही खास टॉपिक डिजिटलाइजेशन पर चर्चा करने जा रही हूँ। इस डिस्कशन के थ्रू हम जानेंगे कि डिजिटलाइजेशन ने हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डाला है, क्या डिजिटलाइजेशन हमारे लिए सही है और अगर सही है तो किस हद तक। साथ ही साथ हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के द्वारा आयोजित किए गए अभियान पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ हमारे कुछ खास गेस्ट मौजूद हैं जो इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए मैं आप सभी को उनसे परिचय करवाती हूँ। सर आप मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, शहीद जगदेव स्मारक कॉलेज कुर्था अरवल। मैं मोहम्मद ऐनुद्दीन खान, रिटायर्ड टीचर फ्रॉम प्लस टू उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल मारूफगंज के। मैं मोहम्मद लई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर महाविद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हजारीबाग, और मैं यहीं रोड नंबर 12 में रहता हूँ। मैं मोहम्मद अलीउद्दीन, डीएम ऑफिस में कार्यरत हूँ और मल्ला डिला में रहता हूँ। स्टार्ट। तो चलिए अब हम हमारे अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि डिजिटलाइजेशन से आप लोग क्या समझते हैं, इसने हमारी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। एक्चुअली डिजिटलाइजेशन या डिजिटल, ये आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल से ही बना है। डिजिटलाइजेशन काफ़ी डेवलप हो गया है, तो जहाँ तक इसकी बेनिफिट की बात करेंगे तो इतना ही बेनिफिट हुआ है सभी तबकों में कि जोड़ाया नहीं जा सकता है, चाहे मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, ये सारे फायदे हैं, नो डाउट। अभी हमें अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है इंडिया या इंडिया अब्रोड तो सोचना नहीं है, बैलेंस रहे विद इन 5 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसका बेनिफिट हर वर्ग के लोगों को है। लेकिन इसका नुकसान भी है, नुकसान बच्चों पे, और जो यंग बच्चे हैं, जो स्टूडेंट कॉलेज में है, स्टूडेंट है, उनकी रीडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, राइटिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। उन्हें आज के डेट में अगर आप कहिए कि भाई लेटर लिख दीजिए, आप एप्लीकेशन लिखिए, तो वो अपने बात काट के निकल जाए, तो ये उसका नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ अगर बच्चों को लिया जाए तो बच्चों की ऐसी आदत हो गई है कि जब तक, खासतौर से हमारी एक जतनी है 2 साल की है, 1.5 साल की है, वो इतना इंग्लिश बोलती है कि हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक उसको टेलीविज़न पर नहीं कुछ दिखलाया जाए तब तक न वो दूध खाती है और न कुछ अनाज खाती है, तो ये उस उम्र के बच्चों पर ये नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। रह गई फायदे की बात, तो हर एज के वालों को फायदा है, चाहे उनकी एज जो भी हो, तो ये बेनिफिट है सर। आपकी राय क्या है? डिजिटलाइजेशन अभी युवाओं का धड़कन है, महिलाओं का सम्मान है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण रह रहे हैं उनके लिए आन मान और शान है। हम इस मायने में कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन अगर जिस रफ्तार से हम लोगों के जीवन में अंदर हिला है, अंदर प्रवेश कर गया है, हम समझते हैं कि अगर डिजिटलाइजेशन का अगर अभी क्लोज कर दिया जाए अभी समय में, तो हम समझते हैं कि जिस तरह से आत्मा हमारे शरीर में है, वो आत्मा जब निकल जाता है तो शरीर मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बचता है, ठीक वैसे ही तरह से ये जीवन में इतना अंदर तक प्रवेश कर गया है कि वो एक कदम भी, चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो या फिर मतलब जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, सभी में धड़कता है जैसे धड़कन, उस तरह का दिल, ये कहिए कि ये डिजिटलाइजेशन है। लेकिन सर इसमें आप नुकसान के बारे में कुछ बताइए, क्या इसका नुकसान है, क्या इस पर सेहत पर क्या असर पड़ रही है? नुकसान आज जन्म, जो बच्चा जन्म ले रहा है और उसका 1-2 साल हो जाता है, उसके बाद उसकी स्थिति देखिए कि बिना मोबाइल का वो खाना पीना छोड़ देता है, और अगर आप मतलब जो है उससे अगर मोबाइल ले लीजिए, अगर देख रहा हो और मोबाइल ले लीजिए, तो फिर वो क्या कर देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। एकदम बिल्कुल सही बात है। और ये तो छोटी बच्चे, छोटे बच्चे नथिंग हो गया,
ये छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं और युवा जो अगर है अभी 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 के क्षेत्र में जो मतलब कदम रखा है अभी जीवन मतलब जो जीने की के लिए आया है और उससे अगर मोबाइल ले लीजिए तो आत्महत्या भी कर दे। बिल्कुल बिल्कुल डिजिटलाइजेशन का मतलब जो है प्रभाव जीवन में पड़ रहा है, युवाओं पड़ रहा है, ये स्थिति। और इससे जहां तक नेगेटिव पॉइंट हम लोग कहे हैं तो हर उम्र के बच्चे बूढ़े जवान सभी को इससे प्रभावित हो रहे हैं। आज के डेट में सबसे पहले आधा उम्र जो है लोग को देखेगा, कोई स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट को देखेगा कि 24 घंटा में मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 घंटा वो अपना मोबाइल पर ही जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी को भी कोई फालतू टाइम मिलता है तो सीधे मोबाइल पर लग जाता है और इसका प्रभाव किसके पड़ता है, बच्चे को ब्रेन पे पड़ता है, बच्चे को आय पाठ पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी पे पड़ती है, समझ गया, जिससे और जो फिजिकल वर्क जो है खत्म होते जा रहा है। आने वाले समय में देखिएगा कि आने वाले समय में सर इसका आज के डेट से आप कौन कर लीजिए तो आप ये देखिएगा कि ब्रेन का इलाज बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएगा। अभी देख रहे हैं क्या आप हार्ट अटैक आम हो गया, हार्ट अटैक आम चीज हो गया सर, तो सर वो तो फिजिकल वर्क नहीं होता, समझ रहे हैं। तो आने वाला देखिएगा माइग्रेन का, सिर का, आंख का, अभी देखते होंगे हम लोग सभी उम्र के जो परिवार में है तो हर घर में जाइए बच्चों को 10 साल 8 साल 6 साल उम्र के बच्चों को आंख पे चश्मा लग रहा है सभी को, समझ गए ना, बच्चे 6 साल की उम्र और उनका चश्मा लग जा रहा है। आप सोच सकते हो बच्चों क्या अपेक्षित कर सकता है, समझ रहे, जिसका 5 साल 6 साल में आंख का रोशनी चला गया तो सोचिए क्या डेवलप कर सकता है, समझ गया, खाना भूल जा रहे हैं, खाना भूल जा रहे हैं, उसका समय नाहक मतलब जो है बर्बाद हो जाता है, कोई मतलब जो है फिल्म देखने में दिन भर व्यस्त है, कोई मतलब जो है मतलब ऐसा ऐसा मतलब जो है सारा मोबाइल में जो है ये सारा सब कुछ है, गुण भी है अगुण भी भरा हुआ है। अब आज मतलब जो है कि यहाँ हम बैठे हैं और विदेश में जो जो युवा हमारे या परिवार जो हमारे हैं और वहाँ हम मैंने क्या कर रहा है उसको हम हकीकत में देख सकते हैं, इसका फायदा भी है। आज बैठे बैठे हम मतलब जो है पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बैठे बैठे हम मैंने जो है जूम पे हम अपना मैंने जो है कहीं भी कोई इंडिया के मैंने किसी भी कोने में रहे और वो मतलब जो है सेमिनार कर सकते हैं या फिर पढ़ाई का मतलब जो है कोई मीटिंग कर सकते हैं, तो वो जो है कि मतलब जाने आने का समय बचा, भाड़ा बचा और जो जो हम चाहते हैं मतलब जो समाज से कि मतलब जो है क्या रिजल्ट आना चाहिए तो डिस्कशन हो कर करके और रिजल्ट निकलता है, तो ये भी फायदे हैं। और अभी नट सेल में ये है कि इसका फायदा तो आप पूरी दुनिया से जुड़ गए, बिल्कुल, और ये सही है कि फायदा ही फायदा है लेकिन थोड़ा बच्चों पर अगर नियंत्रण रखा जाए तो ये वर्क जो है डिजिटल का ये कहीं हद तक बेहतर है, लेकिन ये है कि बच्चों पर जो असर पड़ रहा है वो थोड़ा सा हम लोगों को भी निरंतर तो और सर नहीं बच्चों को साथ जो ये हो रहा है आने वाले जनरेशन में ये आने वाले जनरेशन में जो है ना इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होने वाला समाज विखंडित हो रहा है, समाज में जो युवाएं है मतलब युवा है महिलाएं हैं और या पुरुष है समाज से टूटते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, कोई मतलब जो है मतलब समाज कहाँ गाँव कहाँ है हमारा मतलब समाज किसी को नहीं दे पा रहे हैं, कहीं कोई विखंडित हो रहे हैं, परिवार जो है वो एक दूसरे से अटैचमेंट मैंने खत्म हो रहा है, सारे लोग मोबाइल से अटैच हो गए हैं, तो देखिए ये है सर ये बात मानते हैं लेकिन हर इंसान अभी अपने आप में इतना बिजी है यदि मोबाइल नहीं रहे तो वो आदमी समझे कोई जमाना हो जाए, जिस तरह अभी मुलाकात की कोई जमाना हो जाता है लेकिन आज मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कम आधा मुलाकात बात हो जाती है तो आधा मुलाकात हो जाती है, तो यहाँ पर जो के जो है कारण हम लोग आज मैंने इसमें जो है हर तरह दूसरे को ले लेते हैं, वरना वही हमारा जो पुराना अंतरदेशीय पुराना लिफाफा वाला काम रहता है तो दिन में जा रहा है 10 दिन में जा रहा है क्या हाल चाल मिलता है, आज तो कम से कम ये है डिजिटल इंडिया के मैं कम से कम जब भी दिल चाह 24 घंटा एक्टिव है, दिल पाया कभी पाए बच्चों को हाल चाल ले लिए मैसेज दे दिए मैसेज दे दिए बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी इस पर ध्यान दीजिए कि
बेनिफिट तो लोग बोलते हैं, लेकिन आप पे एक चीज देखिए कि बुनियादी तौर पे जो राइटिंग और रीडिंग है वो कमजोर, उस पर असर पड़ेगा। ये तो सही, आज की डेट में पूरा मत मानिएगा आप लोग, अगर आपको कहा जाए कि एक एप्लीकेशन लिखिए आप तो सोचिएगा। बिल्कुल, अच्छा रुकिए रहे, गूगल से पूछ लेते हैं। अभी आने वाले समय में जो है और बहुत तरह का चिन्ह मैंने ये इसमें मतलब सुधार हो रहा है और बहुत तरह का विकास हो रहा है, तो डिजिटाइजेशन तो डिजिटाइजेशन तो मतलब जो है एक समझते हैं कि मतलब हम वरदान भी है आदमी के लिए, मानव के लिए, और अभिशाप भी है, लेकिन हम किसी भी मतलब पक्ष और वो विज्ञापन विपक्ष दोनों को देखते हैं तो फिर ज्यादातर हम देखते हैं कि इसका मतलब जो है समय का भी बचत है। इससे है कि हाँ कहीं भी बात करना है तो हम तुरंत बात कर लिए। पहले होता था कि मतलब जो है बात करने के लिए मतलब जो है वो लैंडलाइन रहता था, अब घर जाएंगे तब बात करेंगे, अब तो है कि जब भी आप स्विच दबाए तुरंत मतलब जाए बात की आप कि वर्क फ्रॉम होम की जो बात आप कर रही हैं, तो वर्क फ्रॉम होम से तो फायदा हुआ है, उनका टाइम भी बच गया, 10 मिनट्स में जो खर्च हो रहा था आने जाने में वो भी उसका तो फायदा हुआ है। बाजार में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है सर। बिल्कुल, इसका कारण यह है कि अभी ऑनलाइन बाजार मार्केट हो रहा है। अगर घर बैठे अभी ऑनलाइन आप मतलब कर दीजिए, हमको कब चाहिए या मैंने पानी चाहिए या कुछ चाहिए आ जा रहा है, तो वो जो आ जा रहा है तो एक सिस्टम सर्किल था, वो सर्किल था कि एक मतलब जो कंपनी है वो कंपनी से मतलब जाकर रिटेलर सब होलसेलर के पास, फिर सब होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से पब्लिक के पास जाएगा, तो वो सब में थोड़ा थोड़ा आर्थिक मतलब जो है वो इनकम होता था, उससे मतलब जो है कई घर मतलब जो है मतलब वो चलता था। ये जो है आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है और बेरोजगारी का समस्या, जैसे आप 4-5 लोग मतलब जो है मतलब जो सर्किल में थे 4-5 लोगों का तो दुकान बंद हो गया, और मात्र एक पब्लिक और मतलब जो कंपनी है वो 2 लोग रह गया, तो रह गया तो वो 2 ही लोग फायदे में है। अब बाकी तो दुकान बंद हो गई, ये चोरों की दुकान बंद हो गई, ये बेरोजगारी तो आ गई। ये बहुत मतलब चिंतनीय विषय है कि आने वाला समय में भी बहुत कुछ मतलब जो है बदलाव होने वाला है, उस पर हम लोगों को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है कि हमसे मतलब जो है इसको सेटअप करने की और चिंता किया जा सकता है और बेहतर से बेहतर जी और ये किया जाए, हमारे परिवार, घर, लोग, समाज, इनका ज्यादा से ज्यादा सही यूज करें, इनका सही उपयोग करें, जो हर चीज में सर नेगेटिव रहता है। आप मानिए फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल में आपने फिल्म देखा, 3 घंटे का फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें बुरा चीज भी देखा था और अच्छा चीज भी देखा था, तो आप अच्छा चीज को सिलेक्ट कीजिए, बुरा चीज को भी दीजिए। आज के युवा है या मतलब जो है वो मैंने चाहे लड़का हो या लड़की हो, बिना मोबाइल का मतलब नहीं रह सकता है, समझिए जैसे शरीर का आत्मा जो है ना वो बिना आत्मा का मतलब जिंदा नहीं रह सकता है, उस तरह से है कि ये बिना मोबाइल का मैंने ये युवा जो है जिंदा रहना असंभव कहा जा सकता है। और आपका कोई क्वेश्चन है? मेडिकल एरिया में इसके क्या प्रभाव पड़ा है, इसको कुछ बोलिए। मेडिकल क्षेत्र में देखिए, मेडिकल क्षेत्र में जो है इसका जो है सही प्रभाव के आपको जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तो यह है मेडिकल एरिया में कहा जाए तो डिजिटाइजेशन के द्वारा जो है, जैसे पहले हम लोग क्या है ना कि पहले डॉक्टर को पता करते थे, लेकिन आज हम लोग डिजिटाइजेशन के द्वारा ऑनलाइन चेक करते हैं कि कौन सा डॉक्टर कौन सा एरिया में बढ़िया है कि नहीं, इस वर्ष के लिए है ना, इस मरीज के लिए है, तो ये सब हमारा डिजिटाइजेशन से ही पता लगता है कि पटना में कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, उनसे ऑनलाइन अपना प्रोग्राम दे लिए, ऑनलाइन से नंबर लगा दिए है ना, उनका क्या डॉक्टर का क्या ग्रेड है उनके बारे में जानकारी के लिए। आज तो घर बैठे आप BHU और मैंने एम्स के में इलाज करा सकते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन मतलब जो है आप जो है लगाइए पूरा, और उसके बाद मतलब उसका टाइम शेडिंग रहता है, उसके बाद आपका आप जूम में जो है जूम
पर जाकर करके मीटिंग वगैरह जो है ऑनलाइन मतलब मीटिंग होती है, सेमिनार होता है कहीं भी पूरे ऑल इंडिया पूरे वर्ल्ड में, मैंने कहीं भी अगर सेमिनार हो रहा है ऑनलाइन आप मतलब जो है उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये अभी हम लोग मतलब जो है नई शिक्षा नीति आ रहा है, नई शिक्षा नीति में जो है कि ऑनलाइन पर काफी मतलब जो है महत्व डिजिटलाइजेशन पर, कि अगर आप डिजिटल नहीं रहेंगे जो भी लेक्चर हैं जो भी प्रोफेसर हैं जो भी मतलब जो है स्टूडेंट हैं अगर उस पर मतलब नहीं अगर फोकस करेंगे तो बिगड़ जाएंगे, वो साइड हो जाएंगे, उनको मतलब फिर वो सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना होगा तब जाकर के वो पढ़ा सकते हैं क्लास या फिर पढ़ सकते हैं, ऐसा स्थिति है। पेपर लेस वर्क होने जा रहा है बिल्कुल। अब पेपर का जो है जो जो पेपर से मतलब जो यूज करते थे पेपर काफी मतलब जो है छपने में महंगा और सब कुछ हो रहा, वो पेपर लाइज मतलब पेपर लेस मतलब वर्क होने के लिए मतलब जो है ये डिजिटलाइजेशन का ही प्रभाव है। हम लोग सर जिस तरह जिस सर पहले सुना था मैंने जी जी कंप्यूटर एजुकेशन इज मैंडेटरी स्कूल एंड कॉलेज, हर स्कूल कॉलेज में जो है उसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी होगा। ये सच है, ये सच है कि हम अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर टीचर इसके माध्यम से ढूंढ लेते हैं और उनसे हम लोग सीख लेते हैं पढ़ लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज अगर देखा जाए कि भाई JNU को आप ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जामिया मिलिया ले लीजिए, वहाँ बेहतर से बेहतर BHU ले लीजिए, ये सारे है, तो वहाँ के किसी टीचर से अगर आप कुछ हेल्प लेना चाहे तो आप ऑनलाइन के माध्यम से उनसे हेल्प ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसका बेनिफिट है। जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनकी पहुंच वहां तक नहीं है, वो भी इस मीडिया के थ्रू वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है इसके लिए। तो एजुकेशन तो काफी स्पीड किया है इस माध्यम से, एजुकेशन तो इसमें तो इतना सारा लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है घर बैठे पढ़िए, ऐसा मतलब है जिस तरह लैंग्वेज अगर करना है लैंग्वेज भी मैंने आप कर सकते हैं, जैपनीज है, कोरियन है, थाई है, मैंने सब सब सारा कुछ इसमें सिस्टम है। और ये भी है सर जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षा का जो होती है तैयारी वगैरह, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, कोई बड़ा बड़ा जो है मान लीजिए कोलकाता है दिल्ली में, ठीक है IAS अकेडमी है पटना में, खान सर है, इन सब का भी अपना अपना कोचिंग चलता है, जिसमें जो है ऑनलाइन माध्यम से आप इनका क्लास भी नॉर्मल फी देकर आप 1 महीना 2 महीने का आप क्लास कर भी सकते हैं, वो आपको घर बैठे बैठे सारी जानकारी मिल सकती है, रोज का आपको जो क्लास मिल सकता है, रोज का आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आप उससे सेट के माध्यम से आप तैयारी उसका कर सकते हैं, नहीं आपको आने जाने का प्रोग्राम, नहीं पटना में रहने की आपको कोई जरूरत है, नहीं रेंट खाने पीने का कोई जरूरत है, सब घर बैठे बैठे आपका जो है ये सारा जो है प्रतियोगिता परीक्षा का सारा डिटेल सारा क्वेश्चन सारा अभी हमारे नजदीकी एक दो कैंडिडेट है जो कोई क्लास नहीं किए, कोई कोचिंग नहीं किए, केवल लेकिन सिंसियरिटी शो किया, वो भी एक बच्चा है और उसके गार्जियन भी उसको अवेल कराए भाई आप लोग, वो सारा चीज कंपटीशन की तैयारी इसके माध्यम से डिजिटल के माध्यम से जी डिजिटल, तो ये हम मतलब हमारे हिसाब से ये एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काफी महत्व है, कहीं कहीं कुछ इंपैक्ट जो एप्स है जो बच्चों को बिगाड़ रहा है, कुछ ऐसा एप्स जो उसके दिमाग में ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, अगर उस ऐप को थोड़ा सा इधर उधर किया जाए तो हम समझते हैं कि सबसे बेहतर। देखिए अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, तकरीबन 86 या 85 का मैं बता रहा हूँ कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया था, हमारे भाई वहीं से पढ़े हैं, अभी इतफाक तो प्रोफेसर बने, उस वक्त गए तो वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि जहाँ पे जमीन पे जगह है वहीं पे बैठ के पढ़ रहे थे, जिनको जहाँ मौका मिला है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं कि साहब कपड़ा गंदा हो जाएगा या आप अच्छा फील कीजिएगा बुरा, नो कोई फीलिंग नहीं, जहाँ पे पत्थर देखा वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अभी जब मैं गया तो कोई बच्चे ही नहीं, हमने पूछा कि भाई क्या हो गया, बोले तो आप कहा आप तो सब घर में बैठ करके रूम में बैठ करके मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि देखिए कहाँ उस वक्त और कहाँ इस वक्त ये फर्क तो पड़ गया है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके हाथ में एक मोबाइल पड़ा हुआ है, तो ये किसकी देन है, ये तो इसी डिजिटल की देन है ना, ऐसा तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी एजुकेशन के बारे में अगर जितना भी बेनिफिट लिया जाए ये वरदान है। पहले तो लड़के गैस लेते थे और बाजार से और गैस से मतलब पढ़ाई करते थे, अब तो गैस भी लेना छोड़ दिए, अब मोबाइल से मतलब क्वेश्चन वो मतलब
दुकान जो है सर बंद होने जा रहा है, मतलब वो जो है कि मतलब क्वेश्चन माने मोबाइल में बोलते हैं और उसका आंसर बनता है और आंसर लिखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट हम आपको लिखा जा सकता है, जाना जा सकता है। कुछ हमारे यहाँ भी बच्चे जो हमारे वो है पापा, ये आप जानते हैं, नहीं उसने सवाल किया, एक सेकंड, उसने सवाल किया कि पापा ब्लाइंड मैन क्या सपना देखता है, तो उसको दिखता है कि नहीं, ये हमसे सवाल हमारी बच्ची बोला कि देखता तो है, मतलब सपना देखता है, दिखता है कि नहीं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन हमारे हिसाब से जब पहले से ब्लाइंड है तो उसको दिखना नहीं चाहिए, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन तुम बताओ इससे पूछ के कि क्या बोलता है, बोला नहीं दिखता। डिजिटलाइजेशन का मीडिया के रोल, मीडिया के क्षेत्र में क्या रोल है? मीडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है डिजिटलाइजेशन रहने से। आज मतलब 2-4-10 चैनल मने थे जो रजिस्टर्ड थे, मने नेशनल चैनल थे, लेकिन आज तो हर घर में चैनल हो गया। आज यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं, फेसबुक पर डाल दे रहे हैं, कुछ भी मतलब जो है समाज में घटना घटित हुआ अभी जस्ट मतलब जो है मतलब तुरंत मतलब जहां पर है वहीं पर से वो मतलब खींच कर करके और उसका वीडियो बना कर करके और वो वायरल कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया जो है वो इतना बड़ा काम कर रहा है समाज के लिए कि मतलब जो है समाज जो सोया हुआ था और सब लोग मतलब जो है मोबाइल में ही एकदम घुसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नया परिवर्तन क्या हुआ, नया न्यूज क्या हुआ। और वो जिसके चलते जो पहले लोग घुस लिया जाता था ऑफिस वगैरह में, उसका भी कभी कभी देखते हैं वीडियो वगैरह स्कूल में जो है 100 रुपया मात्र जो है एक सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया मांगा जा रहा था। लड़के लोग मतलब जो है 200 लड़के वहां बने थे, अब 200 रुपये का मतलब हिसाब से 200 लड़के का लोग सोचिए कि कितना मतलब कलर कमाता और उसका वीडियो वायरल हुआ है अभी लगता है। तो ये सोशल मीडिया का काम, सोशल मीडिया का ये बहुत कमाल है। मीडिया राष्ट्रीय मीडिया जो है नेशनल चैनल वगैरह है, तो नेशनल चैनल का तो नेटवर्क मतलब बहुत ज्यादा घर घर में तो नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया का तो हर मोबाइल में हर किसी के पास सोशल मीडिया है, वो तुरंत मतलब लेकर वायरल कर दे रहा है। कहीं मतलब एक्सीडेंट हुआ तुरंत मतलब जो है त्वरित कहीं कोई भुला गया, कोई बच्चे गायब हो गया या मतलब कुछ हो गया, उसको मतलब जो है वो थोड़ा वीडियो छोटा शॉर्ट मैंने बना करके फलस कर दिया, जिससे जागरूकता मतलब जो है समाज में आया है और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा हो रहा है कि मतलब जो है जागरूक मतलब समाज और मानव जो है जागरूक हुआ है कि मतलब मतलब तुरंत एक्शन में आ जाता है कि हाँ भाई मतलब ये यहाँ घटना घटा है और अगर मान लिया उसको नहीं ट्रेस हो रहा है कि कौन आदमी कहाँ का है और उसको मतलब मिलाने में ये सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का सर इस क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का आयोजन किया है उस पर आप लोगों की क्या राय है? डिजिटल इंडिया उनका एक सपना है, एक जो भारत को डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने के लिए नए नए मतलब कई तरह का तकनीक आए यहाँ पे, जैसे अभी कौशल विकास है, युवाओं में जो है कौशल विकास कर करके डिजिटल इंडिया से मतलब मन की बात है। हाँ, और मन की बात तो है ही, लेकिन कौशल विकास से जो है लोगों को मतलब युवाओं को उसी ओर मोड़ना है जो कि मतलब हर युवा के को तकनीक से जोड़ना है, तो तकनीक की ओर मतलब हमारे युवा जो है टेक्निकल रूप से हर क्षेत्र में ट्रेंड हो, है ना, और ट्रेंड होकर करके युवा जो है वो अपने आप पर मतलब आश्रित हो और मतलब जो है रोजगार के क्षेत्र में वो टर्न अप करे और ट्रेंड हो, और उसके बाद अभी उस डिजिटल वो जो है कि मनी ट्रांसफर वगैरह का जो अभी आया है कि मतलब बैंक में जो है मनी जो ट्रांसफर होता है कि मतलब हम घर बैठे किसी को पैसा दे रहे हैं और वो पैसा जो है मतलब एक सेकंड में मतलब जो है दूसरे जगह पहुंच जा रहा है। लेकिन उसका एक मतलब जो है डिजिटलाइजेशन का मतलब जो है थोड़ा अभी के क्षेत्र में ज़्यादा गलत मतलब यूज हो रहा है, उसमें है कि जो लोग मनी ट्रांसफर जो कर रहे हैं उसके लेकर के कभी कभी होता है कि फ्रॉड जो है मतलब हम साइबर फ्रॉड जो हो रहा है कि हम पैसा निकाले नहीं और हमारा जो है कि वो कैसे कोड मैंने जो है जान गया और कैसे मतलब मोबाइल से मतलब जो है वो अपना सारा पैसा मनी ट्रांसफर कर ले रहा है,
और इस पर मतलब ज्यादा एक्शन भी नहीं हो पा रहा है। सरकार को ही पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे तकनीक को मतलब जो है हैक किया, और सरकार का कभी कभी मतलब जो है वेबसाइट हैक हो जा रहा है, कोई मंत्रालय का हैक हो जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग का हैक हो जा रहा है। ये चिंतनीय विषय है। और उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी का जो सपना था उसमें थोड़ा मतलब जो है विघ्न आ रहा है, थोड़ा रुकावट आ रहा है। लेकिन ज्यादातर मतलब जो है स्पीड बढ़ रहा है तकनीक की ओर, मतलब लोग बढ़ रहे हैं। ये डिजिटलाइजेशन का और प्रधानमंत्री जी का जो सपना जो है उसको साकार, युवा लोग मतलब ज्यादा कौशल विकास कर करके, कौशल मतलब ट्रेंड होकर करके, और इसमें ईश्वर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का राय क्या है? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है सर, समझ गया। और इसके पीछे राय ये है कि हमारे देश में तरक्की करने के लिए, हमारे देश को तरक्की करने के लिए उसमें डिजिटल इंडिया को, समझ गए ना, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास की ओर ले जाना है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सभी देश में जाकर घूमते हैं और वहाँ से तरह तरह की जो तकनीकी जो देखते हैं वो चाहते हैं कि हमारा अपने देश को इस तरह ही डेवलप कर, नया नया तकनीकों को ये एक्चुअली क्या है कि डेवलप कंट्री वो जाया करते हैं। तो जो वर्ल्ड में डेवलप कंट्री है तो जाहिर है कि उसके कंपैरिजन में अभी हमारा देश तो पीछे है, क्योंकि अभी भी अंडर डेवलप्ड है, बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के स्पीड की बात की जाए तो काफी तरक्की हुई है डिजिटल में। पिछले कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री काफी कोशिश कर रहे हैं और एक से एक स्कीम बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, युवाओं के लिए ला रहे हैं डिजिटल में, उसका बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, कॉलेज हो या मेडिकल हो, जो भी है सबको बेनिफिट इसका हो रहा है, तो इसका तो फायदा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उनका प्रोग्राम है ये कि हम अपने भारतवर्ष के लोगों को डिजिटल के माध्यम से जा तो रही रहे, बोझ भी रहे, आत्मनिर्भर बनाना उसको चाहे, हाँ उनका मेन मोटो है कि आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को सही दशा और दिशा पे हम जो है एनालाइज करने का ही उनका प्रोग्राम है। जितने सारे टेक्निक है उसको सबको अप्लाई करना है, वो तकनीक से हम मतलब जो है इतना सबको दे दें कि किसी को किसी की आवश्यकता न हो, ये उनका एम है इसके माध्यम से। आत्मनिर्भर भारत जो है आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड रहे, और ताकि युवा बने समाज के मुख्यधारा से जुड़े और ट्रेंड होकर के जुड़े, ट्रेंड होकर के जुड़े, ये उनका सपना है। क्या यह अभियान ग्रामीण लोगों और सरकारी विभागों को एक साथ जोड़ने में सक्षम हो पाया है? बहुत हद तक हो पाया है, बिल्कुल बहुत हद तक हो पाया है, इसमें कोई शक नहीं। गांव के भी लोग काफी जागरूक हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल शहर में ही शहरीकरण हुआ है, गांव को भी आज गांव के ही बच्चे मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं। आज गांव के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फैमिली बाहर में है लेकिन मोबाइल के माध्यम से दूसरे से वार्तालाप करते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डिजिटल इंडिया को खाली टाउन के ही लोग को, अर्बन के ही नहीं, रूरल लोग को भी फायदा हुआ। जैसे होता है ना, जैसे रात होता है तो पूरा घनघोर अंधेरा रहता है, ठीक उसी तरह से मतलब गांव अंधेरा में जी रहा था। बिल्कुल डिजिटलाइजेशन है जो सूर्य के प्रकाश की तरह मतलब गांव में पहुंचा है, हाँ। और गांव के लोग चाहे अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, सब तबके के लोगों को ऐसा फायदा हुआ है डिजिटलाइजेशन का कि वो घर बैठे कहीं ब्लॉक नहीं जाना है, उसको जिला नहीं जाना है, और घर बैठे आवासीय बना ले रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं, या फिर और मैंने जो है सरकारी योजनाओं जितना भी मैंने चल रहा है उसका वो घर बैठे नॉलेज देते हैं, क्या स्कीम चल रहा है हमारा, किस क्षेत्र में हमको काम है, और वो घर बैठे अपना जो है सुविधा केंद्र है और कई तरह का मैंने जो है केंद्र खुले हैं, तो उसमें जाकर करके वो अनपढ़ महिलाएं भी, अनपढ़ बच्चे भी, अनपढ़ मैंने किसान जो है जिनको मतलब जो है कुछ नहीं समझ में आ रहा है लेकिन अपना कागज पत्र लेकर जाते हैं
वहाँ सुविधा केंद्र में और वसुधा केंद्र में, और वो जाकर करके अपना जो है काम घर बैठे उनका हो जाता है। और वो जाने आने से मतलब जो टाउन का जो है मतलब आर्थिक, एक तो मेरे गांव जो है आर्थिक तंगी से जी मतलब कैसे जीवन बसर करता है, वो उससे समझिए कि ये मतलब डिजिटलाइजेशन जो है सूर्य के प्रकाश की तरह मतलब जो है ग्रामीण में प्रवेश किया है। सब लोग मतलब जो है जागरूक हो गए हैं और सब लोगों का काम आसान हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम बोलना चाहेंगे, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कार्यालय द्वारा किसी भी स्कीम के तहत कोई मैसेज अगर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में पहुंचाना होता था तो वो डिफरेंट था। पहले आप रिटर्न में लिखिए, कॉरेस्पॉन्ड कीजिए, उसको भेजिए। अभी इसके माध्यम से विदिन अ सेकंड टोटल मैसेज जा रहा है कि आपको 13 तारीख को उपलब्ध होना है कार्यालय में इतने बज के इतने मिनट में और यहाँ आना है स्थान ये। हर व्यक्ति कनेक्ट है और प्रभाव है ये हमारे यहाँ हमारे कार्यालय से अभी जो योजना चल रही है स्कीम लोगों को फंड देने का, जी जी हम उसी में है कल्याण विभाग में, जी जी तो आज हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। सडन एक प्रोग्राम आया कि भाई 23 तारीख को एक मैसेज कन्वे करना है, तो कैसे हो, अब कितने आदमी है, 500 आदमी को मैसेज आप कैसे कीजिएगा, अगर चाहिए अगर टेलीफोनिक करना तो संभव नहीं है। एक बार मैसेज अपना ऐप बनाए और सबको मोबाइल नंबर पर भेज दिया, कल आना है, 2 दिन के अंदर सबको मैसेज आ गया। लेकिन सडन अगर कोई ऐसा कुछ आ जाता है तो उसका भी हमको बड़ा लाभ है। इसके डिजिटलाइजेशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं केवल मतलब पूरे पूरे मानव जगत के लिए क्रांति लाया है, नई क्रांति जिसको कहते हैं, वो नया क्रांति, नया ऊर्जा, नया मतलब जो है प्रेरणा हम लोगों को मिला है कि मतलब जो है उससे हम लोग जुड़ कर करके एक मतलब जो है अपना अपना नया मतलब एक डेवलपमेंट मैंने अपने आप को नया मतलब जो है क्षेत्र में मैंने जो है हम लोग भाई 75% तो पॉपुलेशन गांव में ही है। जी जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का फोकस तो गांव में ज्यादा हो रहा है, सारे प्रोग्राम 80% अर्बन में है। जी जी। बाकी तो गांव को तो जुड़ना ही है शहर की जैसा, और अभी अभी कई गांव या आप गांव में जाइए तो शहर की जैसा लगता है, नहीं लगता है कि हम लोग गांव में आए हुए हैं। उनके रोड भी बहुत अच्छा हो गया, उनका लाइट भी अच्छी हो गई है, सब कम्युनिकेशन गैप नहीं है, आप पहुंच सकते हैं, वहाँ कुछ बन रहा है तो शहर में आ सकता है, ये तो बड़ी बात हुई है। लेकिन इसके माध्यम से बहुत आसान हो गया, बेचारे कोई भी जो फार्मर थे हमारे, एक लॉट ऑफ मतलब चीज को प्रोडक्ट कर रहे थे लेकिन मतलब उनके पास कम्युनिकेशन नहीं था, वो वही खत्म हो गया। सर आप देख लीजिए, आज इसके माध्यम से डिजिटल के माध्यम का भी बहुत अच्छा रास्ता तो बना, और इसके माध्यम से इमीडिएट कि आज का रेट क्या है और हम कैसा अब गाँव में भी एम्बुलेंस अवेलेबल हो गया है तो गाँव में भी काफी विकास। सबसे बड़ा बात है किस रेट में हमारा मतलब जो है सब्जी बिकना है, किस रेट में हमारा अनाज बिकना है, वो नया मतलब आपका रेट जो अभी कितना चल रहा है वो मोबाइल से देखिए और उस हिसाब से आप अब ठगा नहीं सकते हैं। अब अनपढ़ को आप मतलब जो है उसको दबा नहीं सकते हैं, उसके मतलब विचार को मतलब जो है एग्जैक्ट हम उसको बरगला नहीं सकते हैं। सही, ये स्थिति है जी। तो नई क्रांति कहेंगे इसको, नई क्रांति है। अभी देख लीजिए इनको, एक सेंटेंस एक एक के बाद डिजिटलाइजेशन पे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस पर आप लोगों की क्या राय है? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि डिजिटलाइजेशन पे हमारा देश जो है एक गतिमान हो, और युवा और बुजुर्ग और सारे देश के हमारे जो नागरिक हैं वो आत्मनिर्भर भारत जो हो, उस पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में जिस रफ्तार से चल रहा है डिजिटाइजेशन का, वो हमारे भारत में शहर ही नहीं गांव गांव तक डिजिटाइजेशन पर काम जो हो रही है उसके लिए मैं हार्दिक रूप से बधाई देना चाहूंगा। बधाई देना चाहूंगा। मैंने ऐसा समझ लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो ये है कि 125 करोड़ आबादी को कैसे इस डिजिटल से जोड़ दिया जाए, वहां तक जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो और मैक्सिमम वो कामयाब हो गए। बचा हुआ जो काम है वो भी लगता है कि जल्दी हो जाएगा। कंक्लूजन ये हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो हमारा सोच ये है, बहुत अच्छी उनकी सोच है और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में जो भी काम वो कर रहे हैं या जो भी अपना प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें पूरी तरह से उसमें कामयाबी मिले और इसका फायदा जो है पूरे हमारे देश के नागरिक को हो और इससे जो हमारा देश भी विकास करे, हमारा राज्य भी विकास करे, हमारा गाँव भी विकास करे, हमारा शहर भी विकास करे और सभी युवा पीढ़ी का भी लोग का विकास हो। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का जो सोच है वो पूरे भारत वर्ष में जितने भी लोग हैं, युवा बीच का मतलब काम करने वाले लोग, सबको समृद्ध बनाने की का ही प्रयास है इसके मतलब डिजिटल के माध्यम से। भविष्य में किसी को कोई तरह की नुकसान ना हो, सब लोग अपना काम करें। हम तो पहले भी कहा कि वो टेक्निक ही ऐसा दे दें कि सब आप सर सारे काम जो है फिलहाल हो जाए, कहीं किसी को कोई आपत्ति न। ये प्रयास तो है और इसमें सफलता भी मिली। बिल्कुल। आज का जो आज का जो हुआ है आइकॉन के माध्यम से डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है, इसके लिए बहुत आइकॉन को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आइकॉन इंस्टीट्यूट को जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है और ये कोशिश मेरी रहे और आप लोग भी ट्राई करते रहिए अच्छे से अच्छे करते इनको भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे लॉट ऑफ थैंक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे आइकॉन चैनल को दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।